15 नंबर फार्मूला जो है अपना प्रूव करने जा रहे हैं, साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, एंड साइन 2x को अगर टेन एक्स के टर्म में लिखना हो तो हमारा 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स ये होता है। हम लोग 15 नंबर फार्मूला देखने जा रहे हैं, साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, एंड अगर इसी को लिखना हो टेन के टर्म में तो 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, इसको हम प्रूव करेंगे हम लोग। तो साइन 2x के लिए, इसके लिए हम लोग कौन सा जो है सर्वसम का यूज करेंगे, साइन x प्लस वाई का जो फार्मूला हमारा होता है, साइन x कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। इस फार्मूले में अगर हम लोग y इक्वल टू एक्स पुट कर दें, y इक्वल टू एक्स, यानी जहां जहां y है इस फार्मूले में हम लोग क्या पुट करते हैं, x पुट करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा साइन x प्लस वाई की जगह पे x बराबर साइन x कॉस x प्लस कॉस x साइन x। साइन x प्लस x हमारा क्या हो गया 2x, साइन x कॉस x प्लस साइन x कॉस x ये हमारा क्या हो गया 2 साइन x कॉस x। तो साइन 2x बराबर हम लोगों ने क्या प्रूव कर दिया, 2 साइन x इंटू कॉस x। अब हमको क्या करना है, इसको tan के टर्म में लाना है, तो tan के टर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन 2x इक्वल टू इसी का यूज करते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x, और हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यानी अगर कहीं पे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x है कि उसकी जगह पे हम लोग 1 पुट कर सकते हैं, या 1 के प्लेस पे हम लोग साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x भी पुट कर सकते हैं। तो दिस अपॉन 1 हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि जैसे 10 लिखा है तो 10 को मतलब 10 अपॉन 1, तो और इस 1 की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, तो बटा ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। अब हमको tan लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर x से जो है अंश और हर में डिवाइड कर देंगे, तो दिस अपॉन कॉस स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x, दिस इक्वल टू एक कॉस x से हमारा खत्म हो गया, 2 साइन x अपॉन कॉस x, साइन x अपॉन कॉस x हमारा क्या हो गया टेन x अपॉन, इसको कॉस स्क्वायर को हम लोग अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x, तो ये हमारा हो गया 2 टेन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हमारा क्या होगा टेन स्क्वायर x। तो साइन 2x बराबर हम लोगों ने 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x प्रूव कर लिया, ये हमारा हो गया 15 नंबर फार्मूला जो हम लोगों ने प्रूव किया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं 16 नंबर अपना, सिक्सटीन नंबर जो हमको लाना है, सिक्सटीन नंबर हमारा फार्मूला है टेन टू एक्स का फार्मूला, इसको हमको निकालना है, टेन टू एक्स बराबर टेन टेन टू एक्स बराबर टू टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और जहाँ पे जो हमारा 2x जो कोण है नॉट इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 2, जहाँ n पूर्णांक है। क्योंकि n पाई प्लस पाई बाई 2 पे हमारा cos 2x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो sin 2x अपॉन cos 2x जो है ये हमारा tan 2x डिफाइन नहीं होगा, यानी हम लोग जानते हैं कि जो tan
एक्स हमारा होता है साइन एक्स अपान कॉस एक्स, तो टेन एक्स को हम लोग डिफाइन करते हैं साइन एक्स अपान कॉस एक्स होता है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि कॉस एक्स क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। यानी टेन एक्स बराबर अगर हम लोग लिखें साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो यहाँ जो एक्स होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई टू, क्योंकि एन पाई प्लस पाई बाई टू पे हमारा कॉस एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो इसीलिए यहाँ पे कोण टू एक्स है, तो टू एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई टू। तो सिंपल सा फार्मूला है, इसको जो है प्रूव करना बहुत आसान है। टेन एक्स प्लस वाई का फार्मूला हम लोग जानते हैं, प्रूव कर चुके हैं। टेन एक्स प्लस वाई बराबर टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। इसमें हम लोग वाई की प्लेस पे क्या रखते हैं, एक्स, तो ये हमारा हो जाएगा टेन एक्स प्लस एक्स इक्वल टू टेन एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन एक्स। ये हमारा क्या हो गया, टेन टू एक्स और टेन एक्स मिलकर हमारा क्या हो गया, टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स क्या हो गया, टेन स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा टेन टू एक्स का फार्मूला प्रूव हो गया। टेन टू एक्स बराबर टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हम लोग जो है अगला जो देखेंगे फार्मूला हमारा थ्री एक्स का फार्मूला होगा, यानी जो एंगल होगा वो थ्री होगा, साइन थ्री एक्स। साइन थ्री एक्स ये हमारा 17 नंबर हो जाएगा। साइन थ्री एक्स इक्वल टू थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स, ये फार्मूला हमको प्रूव करना है। तो साइन थ्री एक्स लेके हम लोग चलते हैं, साइन थ्री एक्स को हम लोग क्या लिख देते हैं, साइन टू एक्स प्लस एक्स, और फिर साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं। साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई हमारा क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये फार्मूला यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। तो साइन टू एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यानी एक्स की जगह पे टू एक्स है और वाई की जगह पे हमारा एक्स है, प्लस कॉस एक्स यानी कॉस टू एक्स और साइन एक्स। साइन टू एक्स की जगह हम लोग अभी देख चुके हैं क्या होता है, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस टू एक्स बराबर होता है हमारा वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। यहाँ पर हम लोगों ने दो फार्मूला यूज किया है, एक हमारा यूज किया है साइन टू एक्स बराबर टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और एक हमारा हो गया कॉस टू एक्स बराबर वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा हो गया टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस एक्स हमारा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए, तो साइन एक्स माइनस टू साइन क्यूब एक्स। और हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर वन होता है, तो कॉस स्क्वायर को अगर साइन स्क्वायर के पदों में रखना हो तो हम लोग क्या लिख देते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हमारा हो जाएगा टू साइन एक्स और इस कॉस स्क्वायर की जगह हम लोग वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स पुट कर दिए, प्लस साइन एक्स माइनस टू साइन क्यूब एक्स। टू साइन एक्स माइनस टू साइन क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स माइनस टू साइन क्यूब एक्स। टू साइन एक्स और साइन एक्स मिलके हमारा क्या हो गया, थ्री साइन एक्स, और माइनस टू साइन क्यूब माइनस टू साइन क्यूब एक्स मिलके हमारा क्या हो गया, माइनस फोर साइन क्यूब। तो साइन थ्री एक्स इक्वल टू थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स, ये भी फार्मूला हम लोगों ने प्रूव कर लिया। ये हमारा है साइन थ्री एक्स का। अब हम लोग देखते हैं कॉस थ्री एक्स का फार्मूला। कॉस
3x बराबर 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये हमारा है 17 नंबर फार्मूला। इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं। तो हमारा जो कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला होता है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, इसका हम लोग यूज करते हैं। कॉस 3x को हम लोग लिख देते हैं कॉस 2x प्लस एक्स, और इस पे ये फार्मूला लगा देते हैं। तो कॉस 2x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन 2x इंटू साइन एक्स। अब सब कुछ हमको कॉस के टर्म में चाहिए, तो कॉस 2x बराबर हम लोग लिख देते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये माइनस हमारा हो गया सॉरी कॉस 2x की जगह पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू हमारा कॉस एक्स भी है, और फिर साइन 2x की जगह पे 2 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। यहाँ पे हम लोगों ने दो फार्मूला यूज किया, एक तो कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और साइन 2x बराबर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। दिस इक्वल टू कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। कॉस 3x इक्वल टू 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, ये हमको प्रूव करना है। तो इसके लिए हम लोग जो एक पढ़ चुके हैं कॉस एक्स प्लस वाई बराबर कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो कॉस 3x को हम लोगों ने क्या लिख दिया, कॉस 2x प्लस एक्स, और उसके बाद में ये कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला यूज कर दिया। तो एक्स की जगह पे हमारा 2x और वाई की जगह पे क्या है, एक्स है। तो कॉस 2x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन 2x इंटू साइन एक्स, और कॉस 2x की जगह पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, क्योंकि सारे एंगल हमारे एक्स में है, इंटू कॉस एक्स माइनस साइन 2x की जगह पे हमारा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इंटू साइन एक्स हमारा पहले से है, तो इसको कॉस एक्स से मल्टीप्लाई किए तो 2 कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। फिर इस साइन स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्योंकि सारे टर्म हमको क्या चाहिए, कॉस में चाहिए। तो कॉस एक्स माइनस 2 और कॉस एक्स हमारा ये है, और साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा हो गया 2 कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स प्लस 2 कॉस क्यूब एक्स, माइनस 2 कॉस एक्स से मल्टीप्लाई किए तो माइनस 2 कॉस एक्स, और ये माइनस प्लस 2 कॉस क्यूब एक्स, 2 कॉस क्यूब एक्स, 2 कॉस क्यूब एक्स हमारा क्या हो गया, 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स, ये हो गया माइनस 3 कॉस एक्स। तो कॉस 3x बराबर 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया अपना कॉस 3x का फार्मूला, और साइन 3x का हम लोग भी कर चुके हैं। अब हम देखते हैं अपना 19 नंबर, 19 नंबर हमारा है टेन 3x का फार्मूला। टेन 3x बराबर 3 टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स, और जहाँ हमारा जो 3x जो कोण है वो नॉट इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 2, जहाँ एन पूर्णांक है। अच्छा 3x कोण हमारा एन पाई प्लस पाई बाई 2 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि एन पाई प्लस पाई बाई 2 पे हमारा कॉस 3x की वैल्यू 0 हो जाएगी, और टेन 3x जो जिसको हम लोग साइन 3x अपॉन कॉस 3x लिखते हैं, तो वो कॉस 3x जब 0 होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाता है।
इसीलिए हम लोग ये लेके चलते हैं। तो टेन थ्री एक्स हमको लाना है, तो टेन थ्री एक्स को हम लोग लिखेंगे टेन टू एक्स प्लस एक्स, और टेन टू एक्स प्लस एक्स को हम लोग टेन एक्स प्लस वाई का फार्मूला हम लोग लगा देते हैं। टेन एक्स प्लस वाई का हमारा फार्मूला क्या है? टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। तो ये हमारा हो गया टेन टू एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन टू एक्स इंटू टेन एक्स। अब टेन टू एक्स बराबर हम लोग यूज कर लेते हैं टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि टेन टू एक्स बराबर टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये हम लोग जो इसको यूज करेंगे तो ये हमारा टेन थ्री एक्स बराबर टेन टू एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। इसको एलसीएम लेते हैं तो ये हमारा टू टेन एक्स प्लस वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर से इसमें करेंगे तो वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स माइनस टू टेन एक्स इंटू टेन एक्स हमारा क्या हो जाएगा टू टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। वन माइनस टेन स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई किए तो वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स माइनस टू टेन एक्स इंटू टेन एक्स माइनस टू टेन स्क्वायर अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर। तो ये खत्म हो गया हमारा। तो टेन थ्री एक्स इक्वल टू हमारा क्या आ गया टू टेन एक्स और टेन एक्स मिलकर कितना हो गया थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर माइनस टू टेन स्क्वायर मिलकर वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स। तो ये हम लोगों ने क्या प्रूव कर लिया टेन थ्री एक्स बराबर थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला हम लोगों का हो गया।